स्टेट्स ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पेस न्यूज की खबरें सुपर फास्ट। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित हरियर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। नया रायपुर के बोटैनिकल गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। इस अवसर पर शांति सरोवर की निदेशिका बीके कमला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता समेत अन्य कई बीके बहनों ने सहभागिता करते हुए सैकड़ों वृक्ष लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। संस्थान से जुड़ी 200 युवा बहनों ने अपना जीवन किया समर्पित। श्रावण के पवित्र मास में परमात्मा शिव को जीवन साथी मानते हुए समर्पित हो गई। आजीवन समाज कल्याण के संकल्प के साथ समर्पित बहनों के लिए शांतिवन परिसर के डायमंड हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह में दादी जानकी ने कहा कि यह जीवन केवल एक जन्म का नहीं बल्कि 84 जन्मों से श्रेष्ठ है। सिर्फ मन में परमात्मा एक है और उसके मत पर चलने से ही स्व और विश्व का कल्याण होगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए जीवन में सदा सफल होने का आशीर्वाद दिया। इस समारोह में केक काटकर विधिवत उमंग उल्लास से समाज कल्याण करने का संकल्प दिलाया गया। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में इन युवा बहनों ने प्रतिज्ञा कर हमेशा आजीवन समाज सेवा का व्रत लिया। इस अवसर पर युवा बहनों के माता पिता के साथ उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिपिंग एवं एविएशन प्रभाग द्वारा शांतिवन के मनमोहिनी ग्लोबल ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय विमानपत्तनम आर्थिक नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एस मचेंद्र नाथन, प्रभाग के अध्यक्ष बी के ओम प्रकाश, पवन हंस कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक डॉक्टर बी पी शर्मा, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बी के मीरा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि जीवन की यात्रा हो या जहाज की, दोनों ही स्थितियों में सावधानी की जरूरत होती है। इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सम्मेलन के दौरान शिपिंग एवं एविएशन कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं तथा उसके समाधान ढूंढने के प्रयास किए गए, जिसमें राजयोग ध्यान सत्रों का भी आयोजन किया गया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर ग्रीन डे के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के युवा अध्यक्ष शैलेश डांगर, राजकोट के सब जोन प्रभारी बीके भारती समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सभी सदस्यों ने 550 पौधे रोपण कर शहर में वृक्ष लगाओ बरसात लाओ के नारे के साथ रैली निकाली। कार्यक्रम के पश्चात सभी ने राजयोग के अभ्यास द्वारा वायुमंडल को शुद्ध व पवित्र बनाने के वाइब्रेशन दिए। गुड़गांव को बेहतर सुरक्षित जगह बनाने के उद्देश्य से गुड़गांव पुलिस तथा ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे अभियान सशक्त नींव की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुड़गांव पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क, ACP क्राइम राजेश कुमार, ब्रह्मा कुमारीज के पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल उपस्थित थे। कार्यक्रम में ACP राजेश ने बताया कि समाज को भ्रष्टाचार मुक्त तथा महिलाओं को हर संभव मदद करने के लिए हरियाणा तथा गुड़गांव पुलिस ने समाज के साथ जुड़ने का संकल्प लिया है। इसी अभियान के अंतर्गत गुड़गांव तथा दिल्ली से 17 स्कूलों के 6 से 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क ने बच्चों को उनके अधिकारों से अवगत कराया। कार्यक्रम के पश्चात पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह ने ब्रह्मा कुमारीज के पालम विहार सेवा केंद्र का अवलोकन किया तथा गुड़गांव के 24 पुलिस चौकियों में राजयोग प्रशिक्षकों का कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में आयोजित गोदावरी महापुष्कर कुंभ मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए 12 दिवसीय आध्यात्मिक मेले का समापन हो गया। यह मेला प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने भी पहल करते हुए मेले में नासिक दर्शन, द्वादश ज्योतिर्लिंगम, आध्यात्मिक गैलरी, पांचों युगों का संग्रहालय तथा व्यसन मुक्ति हवन कुंड लगाया, जिसका 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया। गुड़गांव में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चूज चेंज एंड बिकम थीम पर यूथ रिट्रीट का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस रिट्रीट में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ORC की निदेशिका बीके आशा,
जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, दिल्ली के जीवी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता उपस्थित थे। इमोशनली वेलबींग विषय पर आधारित इस रिट्रीट में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने युवाओं को स्वयं पर अटेंशन रख गुणवान तथा चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बीके शिवानी ने विचारों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। इस रिट्रीट में 22 से 35 साल तक के 130 युवा व्यवसायियों ने हिस्सा लिया और व्यवहारिक ज्ञान के साथ राज्यों की विधि से अवगत हुए। नेपाल काठमांडू के ज्यापू अकेडमी में ब्रह्म कुमारीज द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए राजयोग विषय पर प्रवचन माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संविधान सभा के सदस्य चंद्र महाजन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुदीप पाठक, स्थानीय सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम समेत कई ख्यातनाम हस्तियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित चंद्र महाजन ने कहा कि इस बढ़ रहे तनाव के युग में राज्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिए व्यक्तिगत तथा सामाजिक तौर पर सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। भुवनेश्वर के दी न्यू मेरीन होटल में IMS नेशनल CME 2015 द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। IMS के मिड टर्म गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में ब्रह्म कुमारीज को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस मीटिंग का शुभारंभ यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, IMS की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर रमा वैद्य, अध्यक्ष डॉक्टर हरा प्रसाद पटनायक, प्रधान सचिव डॉक्टर जिग्नेश शाह समेत अन्य कई प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके दुर्गेश नंदिनी ने आध्यात्मिकता को व्यक्तित्व विकास के लिए मूल आधार बताते हुए कहा कि आज हर मनुष्य अपना जीवन शांतिपूर्ण तथा खुशहाल रूप से व्यतीत करना चाहता है, जो कि आध्यात्मिकता से ही संभव है। इस अवसर पर सैकड़ों सीनियर डॉक्टर्स और देश के मेडिकल प्रोफेसरों ने भाग लिया। ऐसे ही भुवनेश्वर के क्राउन होटल में रोटरी इंटरनेशनल द्वारा स्थापना समारोह मनाया गया। रोटरी तथा रोट्रैक्ट क्लब ऑफ भुवनेश्वर कन्फ्लुएंस के संयुक्त अधिष्ठापन समारोह में ब्रह्म कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर DGN अजय अग्रवाल, माउंट आबू से बीके भगवान, यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत क्लब के कई वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके भगवान और बीके गीता ने समय का सदुपयोग करने और राजयोग द्वारा मन को सशक्त बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर समाज की सेवाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने पर क्लब के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीके भगवान को भी सम्मानित किया गया। पानीपत के नारा गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में SHO राहुल शर्मा, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, पानीपत सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सरला ने शिरकत कर गांव के लोगों को अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा दी। राजस्थान के संगरिया में 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमानगढ़ से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिनारायण सारस्वत, मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, बीकानेर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति ने दीप जलाकर किया। संगम पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा लोगों में आध्यात्मिकता लाने का निरंतर अभ्यास सराहनीय है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में कानपुर में ब्रह्मा कुमारीज के कल्याणपुर सेवा केंद्र पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सतीश निगम, रोटरी क्लब ब्रह्मावर्त की अध्यक्षा सुषमा शुक्ला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। बेंगलुरु आरटी नगर के तराला बालू केंद्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा उद्योगपतियों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्यापार में सफलता एक नया आयाम विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ आरटी नगर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक और अध्यक्ष BR प्रसन्ना कुमार, संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, कुमारा पार्क की सब जोनल प्रभारी राजयोगिनी दादी सरला उपस्थित थी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने व्यापार में सफलता पाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि आध्यात्मिकता के द्वारा ही जीवन में संयम एवं संतुलन बनाकर व्यापार एवं कार्य क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। महाराष्ट्र में उमरगा के श्रमजीवी शिक्षण संस्थान के आदर्श महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में वी के स्वामीनाथन ने आत्मा की आंतरिक शक्तियों पर प्रकाश डालते हुए राजयोग का गहन अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में आदर्श महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप गुरूड ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर संस्था के युवा प्रभाग तथा भारत सरकार के युवा मंत्रालय द्वारा 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस ध्रुव सेना ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों तथा सड़क सुरक्षा का पालन करने पर जोर दिया। इसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल तथा ट्रैफिक इशारों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में भी लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर IAS डॉक्टर के चंद्र मौली, शांति सरोवर की निदेशिका BK कुलदीप, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने युवाओं से राज्यों की शक्ति का प्रयोग कर अपनी सोच को रचनात्मक बनाने पर बल दिया। कर्नाटक के सिरसी सेवा केंद्र पर संस्था के युवा प्रभाग तथा भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कैंप का शुभारंभ उप पुलिस अधीक्षक प्रसन्ना देसाई, सहायक आयुक्त डॉक्टर नागेंद्र होनाली, डेंटिस्ट डॉक्टर नारायण भट्ट, सेवा केंद्र प्रभारी BK वीना समेत कई प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में BK वीना ने सभी उपस्थित युवाओं से अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग, कॉमर्स तथा साइंस समेत अन्य कई विश्वविद्यालयों के युवाओं ने भाग लिया। चंडीगढ़ में ब्रह्म कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे अभियान सिटी इज ब्यूटीफुल ड्रीम कीप मी क्लीन के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुखना लेक में आयोजित इस कार्यक्रम में सेक्टर 51A की प्रभारी BK सारिका ने लोगों को मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक स्वच्छता के प्रति जागरूक कराया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्यों द्वारा स्लोगन बोर्ड लगाए गए, जिसमें स्थानीय लोगों ने हिस्सा लेकर शहर को स्वच्छ बनाने में अपने विचार व्यक्त किए। गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवसारी GIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में आर्ट ऑफ लीडरशिप विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित स्व प्रबंधन विशेषज्ञ BKEV स्वामीनाथन ने नेतृत्व के साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपनाने पर बल दिया। राजकोट के अवधपुरी में माई सिटी ग्रीन सिटी डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के जगदम्बा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कमिश्नर विजय भाई नेहरा, वार्ड नंबर 6 के पार्षद रसिक भाई पटेल, अनिल भाई राठौर तथा अरविंद भाई रैना समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। इस अवसर पर विशेष तौर से उपस्थित कमिश्नर विजय ने सेवा केंद्र से जुड़ी कई महिलाओं को पौधे भेंट कर वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों समेत संस्था के सदस्यों ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निधन पर आत्म शांति के लिए ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रविरत्ना पार्क सोसाइटी के प्रमुख जगदीश भाई, वार्ड नंबर 12 के ऑफिसर धवल भाई, सेवा केंद्र प्रभारी BK नलिनी ने हाथों में मोमबत्ती लेकर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 6 दिवसीय सामूहिक राजयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्णता और संपन्नता की ओर बढ़ती कदम विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK शुक्ला, महिपालपुर सेवा केंद्र की प्रभारी BK अनुसुईया, शांति सरोवर की निदेशिका BK कमला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ BK बहनों ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण कर औरों को भी परमात्मा के ज्ञान से लाभान्वित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर राजयोग के अभ्यास द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास किया। राजकोट के शास्त्री नगर सेवा केंद्र ने ग्रीन डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सोसाइटी के उप प्रमुख KB राणा, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य AK जोशी, LIC अधिकारी PG राजगुरु, सेवा केंद्र प्रभारी BK दक्षा, राजयोग शिक्षिका BK दिव्या समेत कई सदस्यों ने पौधे लगाकर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को शुद्ध बनाने का संकल्प लिया। ऐसे ही राजकोट के एकलव्य प्राथमिक स्कूल में मेरी स्मार्ट सिटी राजकोट हरा राजकोट अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र प्रभारी BK नलिनी, स्कूल के प्राचार्य कांति पटेल समेत कई शिक्षकों व बच्चों ने भी सहभागिता की और 50 पौधे लगाकर अभियान में हिस्सेदारी निभाई।
केवड़ावाड़ी सेवा केंद्र में भी ग्रीन डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद केतन पटेल, वार्ड 15 के अधिकारी हेमदारी झारा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पारुल समेत अन्य सदस्यों ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों द्वारा लगभग 50 पौधे लगाए गए। मेहुल नगर सेवा केंद्र ने भी ग्रीन डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्षद प्रवीण कियाड़ा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना, राजयोग शिक्षिका बीके मोनिका समेत वार्ड के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया और पौधे लगाकर वृक्षारोपण के लिए जागरूकता पैदा की। पंजाब में ब्रह्मा कुमारीज के होशियारपुर सेवा केंद्र तथा जिला प्रशासन द्वारा बाल सुधार घर में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधीश आनंदिता मित्रा ने बच्चों को नैतिक शिक्षा के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने भी समाज परिवर्तन करने के लिए स्व परिवर्तन करने पर बल दिया। नेपाल में लमजुंग जिले के हिमालय माध्यमिक बोर्डिंग स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोलेटार में आयोजित इस कार्यक्रम में दमोली के राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू खड़का ने राजयोग के अभ्यास द्वारा मेमोरी पावर को बढ़ाने की कला सिखाई। इस अवसर पर सैकड़ों विद्यार्थियों ने सहभागिता की और कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। राजकोट के गायकवाड़ी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योत्सना समेत अन्य सदस्यों ने 50 पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित बनाने का संदेश दिया। भुवनेश्वर के भारतीय विद्या भवन में यूनिट 9 सेवा केंद्र ने कार्यक्रम का आयोजन किया। नैतिक मूल्य तथा सकारात्मक चिंतन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में माउंट आबू के बीके भगवान ने कहा कि नैतिकता से ही मनुष्य का जीवन महान बनता है। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, एमबीए कॉलेज के विद्यार्थियों समेत जूनियर डायरेक्टर ममता राठौर शामिल थी। राजस्थान के सुजानगढ़ में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा ने प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रह्मकुमारी संस्था के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल ने कैरेबियन देशों का दौरा किया। इस दौरान ट्रिनिडाड और टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, सेंट ऑगस्टिन और चगवांस में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान चगवांस सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय उच्चायुक्त गौरी शंकर गुप्ता, बीके मोहन सिंघल, बीके हेमलता, बीके जैस्मिन ने मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए राजयोग सीखने को बेहतर माध्यम बताया। ऐसे ही ट्रिनिडाड सैन फर्नांडो में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके मोहन सिंघल ने शांति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जरूरी बताया। दक्षिण अमेरिका में गयाना के प्रधानमंत्री मोसेस नागमोटो, भारतीय उच्चायुक्त वेंकट चलम महालिंगम से बीके मोहन सिंघल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जीन ने मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। सूरीनाम में भी उपराष्ट्रपति रॉबर्ट अमेरली, शिक्षा मंत्री अश्विन अधीन, भारतीय राजदूत एम सुभाषिनी से बीके मोहन और सेवा केंद्र प्रभारी बीके लोइस ने मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की तथा संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। खबरें सुपरफास्ट में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।